हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रीतीश ब्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में हार्ली को हम लोग कैसे नहलाते हैं और इसके लिए कौन से शैम्पू यूज करते हैं। सो देखिए, हार्ली को पूनम शैम्पू लगा रही है और ये शैम्पू का नाम है सैमग्लो एनरिच विद प्रोटीन एंड विटामिन ई। इट्स गुड फॉर डीप नारिशिंग एंड क्लिनजिंग। और ये शैम्पू जो हेयर है उसको मतलब कंडीशनिंग करता है और हेयर जो है वो अच्छे से ग्रोथ भी होता है गाइस। और हार्ली को जब हम नहला लेते हैं और उसके बाद उसका जो हेयर है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। तो आप भी अपने पेट्स के लिए ये शैम्पू यूज कर सकते हैं। और गाइस, विंटर में ज़्यादा ठंड रहता है तो हम हार्ली को 10 to 15 days के बाद ही नहलाते हैं एंड समर में हम इसे वीकली नहलाते हैं। सो देख सकते हैं हार्ली नहा रहा है और पूनम इसको नहला रही है। और हार्ली को नहलाने के लिए 3 जन लगते हैं बिकॉज ये नहाना इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, भाग जाता है। तो इसको पूनम कैसे पकड़ के रखी है आप लोग देख सकते हैं। और ये चिल्लाता भी है नहाने के लिए मतलब। और मेरे चाचा और मम्मी को बहुत डरता है ये, तो आज चाचा नहीं है इसलिए थोड़ा सा नौटंकी कर रहा है देख सकते हैं। और पूनम को मतलब पकड़ने नहीं देता है। और आप लोग गाइस देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने पेट्स के जो हेयर है वो अच्छे से ग्रोथ करें, उसके स्किन में कोई भी इन्फेक्शन ना आए, तो आप अपने पेट को हेल्दी डाइट दें, जैसे कि नमक और मसाले एंड ऑयल उसके खाने में कम कर दें। गाइस, पेट्स को मीठा नहीं देने चाहिए ज़्यादा, एंड ज़्यादा मतलब ऐसे आप शुगर फ्री बिस्किट तो दे सकते हैं बट मीठा चीज़ें हो ना दे तो अच्छा रहे। और चॉकलेट तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर आप ये टिप्स फॉलो करोगे तो आपका पेट पूरा हेल्दी रहेगा। तो चलिए अभी हार्ली को हम अच्छे से शैम्पू लगा लेंगे, देन इसको हम नहला देंगे। देखिए हार्ली कितना क्यूट लग रहा है। चल बसिक ना, तो ताकि जोर से बहुत बहुत चालू अच्छे। सो गाइज, हार्ली का शैम्पू हो गया है, अभी हम इसको नहलाएंगे। तो चलिए नहलाते हैं देखिए। और हार्ली नहलाने के बाद कितना क्यूट लगता है। और ये अभी भाग जा रहा था, सो इसको पूनम पकड़िए और देखिए कितना क्यूट लग रहा है। तो हम इसको बॉडी में पहले शैम्पू अप्लाई कर लेते हैं, देन इसके फेस में हम अप्लाई कर। सो देखिए गाइस, इसके ऊपर पानी डालते ही ये पूरा भागने लग जाता है और पानी से इसको मतलब ठंड बहुत लगता है, तो गाइस ये नहाने नहीं खोजता है। और देखिए पूनम को गिरा दिया और फिर मैं आके इसको पकड़ी, वरना नहीं नहला पाते इसको। और हार्ली को नहलाने के लिए 3 जन चाहिए होते हैं, वरना उसको नहलाना पॉसिबल नहीं है। अभी हम हार्ली को अच्छे से नहलाते हैं। Thank you.
सो गाइस होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हार्ली के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। और कुछ भी जानकारी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।